अज़ीज़ दोस्तों मोहतरम नाजरीन मैं हुसैन दरियास हूँ और ख़ुदा का मशकूर वमनून हूँ एक और दिन के लिए एक और मौके के लिए एक और लम्हे के लिए कि खुदावन ने मुझे नफस हयात बख्शा ये खुदा की रहमतों की नस्बत है कि मैं जिंदगी का सांस ले सकता हूँ जब मैं नोहे के किताब को पढ़ता हूँ यरीमिया उसमें अपनी ज़िंदगी से जो शिकायतें वो करता है वो दर्द से भरा हुआ एक बूढ़ा नबी उसने ख़ुदा के कौम को ताराज में देखा है शहर को ताराज में देखा है जवानों को और बच्चों को और औरतों को असारत में जाते देखा है उसका दर्द जो है वो रूहानी ज़्यादा है बजाए इसके शख्सी हो जब उसके तीसरे बाप को हम पढ़ते हैं नोहे के तीसरे बाप को हम पढ़ते हैं मरसिया के किताब में वो मरसिया गीत गाकर नौहा गाकर वो ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो दर्द से भरा हुआ ऐसा दर्द ऐसा दर्द जो जहर की मानंद उफ्री की मानंद हो और फिर वो कहता है इन सब के बावजूद मेरी उम्मीद जो है उस खुदा से है जो जिंदा खुदाबंद है जो वफादार खुदा है और वो कहता है कि इंसान के लिए लाजमी है कि वो खामोशी से जब मुश्किलात में हम पड़ते हैं खामोशी से हम मंतजर रहें खुदा की निजात के लिए इसकी बजाय कि हम शिकायतें करें और ढंडोरा पीटें एतमाद खुदा पर लाजमी है हमारा एतमाद खुदावंद पर वो यकीनी नेक है किताब मुकदस में हम पढ़ते हैं क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से हर इंसान से हर इंसान से लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ता जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो वो जहन्नुम में ना जाए वो खुदा से हमेशा के लिए दूर ना हो जाए बल्कि अबदी जिंदगी हमेशा की जिंदगी पाए ऐसी जिंदगी जहां हमारा आमना सामना खुदा से होगा खुदा के जलाल में हम रहेंगे और हमेशा रहेंगे खुदा का सिर्फ एक ही किताब है और वो बाइबल मुकदस है सिर्फ यही खुदा का किताब है कोई और किताब अगर ये कहता है कि वो भी वो भी खुदा का कलाम है उसमें वो भी ही काफ़ी है मेरे लिए क्योंकि हकीकी कलाम ये कलाम है बाइबल मुकद्दस किताब पैदाइश से लेकर किताब मुकाशफा तक और ये ही ये भी नहीं ये ही किताब मुक़दस है ये ही खुदा का हिदायतनामा हमारे लिए है और अनबिया में से उनकी तारीख़ में और उनके किरदार एमाल क्या हुए उनके ज़िंदगी में खुदा खुदा का जो रज़ा है खुदा की जो रज़ा है उनके लिए वो क्या था वो सब यहीं पे दर्ज हैं इसके अलावा अगर कोई किताब हो उन्हीं कहानियों को अगर तोड़ मोड़ मर, मरोड़ कर पेश करे तो वो खुदा का कलाम नहीं कहलाता वो नकल है असल ये है किताबे मुक़दस इसमें तौरात है तबारीख है अनबिया हैं बड़े और छोटे अनबिया या सहीफे आप कह सकते हैं अनबिया की किताबें जो हैं मजाबीर है जो अशार हैं अयूब की किताब जो शायर है एक बहुत ही बड़ा मख्ता है वो भी नोहे का एक किताब है मगर उम्मीदों से भरा हुआ और सुलेमान के एक सौ पाँच गज़लों में से एक गज़ल भी यहाँ पर है जिसे खुदा ने इल्हामी तरीके से हमारे लिए दिया है और उन सब नबूतों के बारे में जो कि खुदा व यीशु मसीह खुदा का बरना और हकीकी कुर्बानी, वाकई कुर्बानी, मैंने इस प्रोग्राम का मौजू ही वाकई कुर्बानी इसलिए दिया हुआ है कि ये वाकअ वाक़ हुआ वाक वाकया हुआ और जिस तरह से जिस तरह से इसकी परदाज इसकी परदाज इस किताब में है वही हकीकी कहानी है वही हकीकी दास्तान है जो कि खुदा से खुदा के रूह से इल्हाम हुआ है हमारे लिए अगर आप किताब की बात करते हैं तो इल्हामी किताब सिर्फ यही है और कोई नहीं है और इसी की रोशनी में हम हमेशा खुदा के उस मोहब्बत को उस फैज को फजल को खुदा के रहमतों को आप अजीजों के लिए पहुंचाते हैं इस प्रोग्राम का नाम जिंदगी का कलाम इसी वजह से है क्योंकि खुदावन ने इस कलाम में जिंदगी जिंदगी के बारे में अबदी जिंदगी के बारे में खुदा के साथ हमेशा रहने के बारे में हमारे लिए मकतूब किया हुआ है जो चीज इसमें मकतूब है वो खुदा की जानिब से है और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने इस बंद हकीर को ये मौका अता फरमाया इस बंदे हकीर को यह दिया ये वक्त दिया ताकि मैं उस शहनशाह जलाल के हुजूर सर सजदा होकर कहूँ खुदा बंदा शिक्र गुजार हूँ कि मैं भी उस कुर्बानी का हिस्सा हूँ मेरी कहानी भी उस भी उस में है जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो वो खून बहाए आज़ादी खून बहा यहाँ खून बहा से मुराद ये नहीं है कि खून बहा उनके लिए बहा से बहा ये फारसी का लफ्ज़ है यानी कीमत खून बहा अपने खून से कीमत उसने चुकाया खून बहाए आज़ादी मेरी आज़ादी को उसने अपने खून को हाँ बहा कर भी मगर उस बहा कीमत बहा के मानी है कीमत आप उर्दू के पुराने डिक्शनरियों को देखें किताबुलगात को देखें तो उनमें आपको ये बहा का लफ्ज़ मिलेगा वो मेरे खून बहाए आज़ादी है खुदाबंद यीशु मसीह उसने सलीब पर जान दी मेरे गुनाहों का किफारा अपने खून से अदा किया जी हाँ उसका बहा उसने परदाख्त की उसकी कीमत उसने चुकाया और उसने मुझे जब मैंने उसे खुदावन कहकर पुकारा जब मैंने उसे अपना यगाना मुंजी कहकर पुकारा तो उसने अपने रूहे मुकदस के वसीले से मेरे दिल में अपना घर बना लिया अब मेरे मुझे किसी और घर की जियारत करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इस दिल को उसने अपना घर बनाया है मुकदस गा बनाया है आप देखें जियारते हैं आप देखें मजारे हैं आप देखें वो जगहें जिन्हें इंसान अपने खुदाओं का मकान मानते हैं मकान इबादत मानते हैं वो सब बस्ता हैं वो सब के सब उन पर ताले लगे हुए हैं या फिर महदूद किया हुआ है लोग वहाँ जा नहीं सकते सिर्फ एक छोटी सी कोरोना वायरस के सब से जिसे हम देख भी नहीं सकते उनके लिए हमारे लिए हम चाहिए कि एक बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम करें तब जाकर हम उसे देख सकते हैं कैसा वावेला मचाया हुआ है सारे इंसानों को बेबस किया हुआ है चाहे आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं या फिर वो मसीही हैं जो कि किसी मकान को जियारत के तौर पर मुकदस गाह मानकर जाते हैं उन सब के दरवाजे बंद हैं मगर अगर आपके दिल में जिंदा खुदावंद है अगर आपके दिल को खुदावंद ने मुकदस गाह बनाया है तो आपका दिल आपका वजूद आपका पूरा तन खुदा का मुकदस गाह है और उस मुकदस गाह से आप राज कर सकते हैं खुदा के साथ उस मुकदस गाह में आप हकीकी सोखतनी की कुर्बानी गुजरा सकते हैं क्योंकि उसमें खुदा रहता है क्योंकि उसमें खुदा रहता है पंजाबी की कहावत है शायद मैं दुरुस्त कहूँ या ना कुछ भी तोड़ी पर दिल ना तोड़ी क्योंकि दिल विच खुदा रहते हैं आप कुछ भी तोड़े मगर दिल को ना तोड़ें क्योंकि दिल वो जगह है जहाँ खुदा रहना चाहता है अपना मुकदस गाह बनाना चाहता है अपना मस्कन बनाना चाहता है और उस दिल से जो वाकई कुर्बानी वाकई सोखतनी की कुर्बानी हम उसमें गुजरानते हैं तो खुदा के हुजूर हम आकर कहते हैं खुदा बंदा मैं मशकूर हूं तेरा मैं मशकूर हूं तेरा इसी वजह से जब मैं जुबूर को पढ़ता हूं जबूर शरीफ और उसके उन्नीस बाब में हकीकी कुर्बानी को इस तरह से दिया है तेरा बारह आयत से अगर मैं पढ़ूं कौन कौन वो इंसान है कौन वो इंसान है कि अपनी भूल चूक को जान सके तू ए खुदावन तू मुझे पोशीदा आयबों से पोशीदा गुनाहों से यहां पर आयब दिया हुआ है दर हकीकत गुनाह है पोशीदा आयबों से पाक कर पोशीदा आयब पोशीदा गुनाह कौन सा है अगर आप किसी को उसके मुंह पर गाली देते हैं तो ये पोशीदा गुनाह नहीं है उस शख्स को मालूम हुआ खुदा को मालूम हुआ फरिश्तों को मालूम हुआ शयातीन को मालूम हुआ मगर अगर आप अपने दिल में किसी को गाली देते हैं किसी के खिलाफ नफरत बोते हैं तो उस शख्स को मालूम नहीं मगर खुदा को मालूम है वो है वो है पोशीदा वो है पोशीदा आय पोशीदा गुना तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाकर तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख बेबाबी बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूँगा और किस वक्त बेबाबी बेबाकी की गुनाहें पोशीदा गुनाहों से हम पाक हो सकते हैं जब हमारा दिल मस्कने खुदा बने हमारा दिल खुदा का घर बने उस वक्त हम पाक और कामिल होंगे हम अपने आप से कभी कामिल नहीं हो सकते ज़ियारत गाहों में जाकर कब्रों पर जाकर पीर मुर्शद के पास जाकर मजारों पर चढ़ावा देने के लिए जाकर वहां से हम पाक नहीं हो सकते और कामिल नहीं हो सकते हमारी तकमील जो है जिंदगी की तकमील जो है वो उस खुदा के कामिलियत से सरचश्मा लेता है जो कि ये कहकर आज भी आपको पुकारता है हमें पुकारता है ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ मेहनत कशो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा और वो है खुदाबंद यसु मसीह वो है खुदाबंद यसु मसीह जो आपको आज भी पुकारता है पुकारता है मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा तो मेरी दुआ यह है कि आज एक क्लिप मैं रखूंगा ये क्लिप तकरीबन 12 मिनटों के दौरान ये का है इस क्लिप को इस तस्वीर में आप ये वीडियो जो देख रहे हैं जी हाँ ये टेंपल माउंट है टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है ये यरूशलम शहर में है इसराइल में है यहाँ पर दो मसाजिद भी हैं मस्जिद अक्सा और फिर डोम ऑफ द रॉक जिसे कहते हैं दो मसाजिद हैं यहाँ पर जिसे आप वाज तौर पर देख सकते हैं ये वही मुकाम है दर हकीकत जो किताब मुक़दस में इसका जिक्र है जिसे कोहे मौर्या के नाम से हम जानते हैं या मौर्या का पहाड़ माउंट मुराया जिसकी बाबत किताब मुक़दस में ज़िक्र है किताब मुक़दस किताब पैदाइश उसके बाईस बाब में ज़िक्र है कि खुदा ने इब्राहिम को इब्राहिम को कहा कि अपने एक लौते बेटे जिसे तू चाहता है अपने बेटे को ले जा और वहाँ कुर्बान कर खुदा बनने आजमाइश के तौर पर इब्राहिम के लिए न कि अपने लिए खुदा जानता था कि इब्राहिम क्या करने वाला है क्योंकि खुदा के लिए वक्त मुक्द नहीं है वक्त मुक्द नहीं है ये इब्राहिम के अपने ईमान की के, के लिए था कि वो अपने ईमान में और भी मजबूत हो आइए देखते हैं ये क्लिप और उसके बाद वापस आएंगे मेरी दुआ है कि खुदावन आपको बरकत देगा इस क्लिप से किताब मुकद्दस पैदाइश की किताब उसके बाईस बाप में हम एक कुर्बानी के बारे में पढ़ते हैं जब खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि अपने इकलौते बेटे जो तेरा इकलौता है जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊँगा सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा और ये वही मकाम है ये वही जगह है जिसके बाबत हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब उसके 22 बाप में के खुदा ने दिया इब्राहिम को इब्राहिम बहुत तवील सफ़र करके शायद बे से यहाँ तक तीन दिनों का सफ़र करके अपने नौकरों के साथ जवानों के साथ और अपने बेटे के साथ इसहाक़ के साथ यहाँ पर आए कि खुदावन के हुक्म के मुताबिक उसे सोखतनी के सोखतनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए इब्राहिम के लिए शायद ये बहुत ही मुश्किल होगा जब खुदावन ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को उस बेटे को जिसका मैंने तुझे वादा दिया जो कि साराए को मैंने दिया जो तुझे दिया वादे का जो बेटा है उसे ले जाकर मेरे लिए सोखतनी की कुर्बानी के तौर पर चढ़ा उसके लिए बहुत ही मुश्किल शायद होगा मैं एक बाप हूँ और मेरे लिए ये मुश्किल है अगर खुदा मुझे आवाज़ देखा अपने बेटे की बलि चढ़ा या उसे कुर्बान कर आ और सोख्तनी की कुर्बानी के तौर पर चढ़ा उसके हाथ पैर बांध और लकड़ी को आग आ दे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इब्राहिम को के ईमान को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कितना मर्द मोमिन था यहाँ तक कि खुदा ने कहा कि अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ा तब भी उसने उस हुक्म को माना शायद वो रोया होगा शायद वो बहुत रोया होगा मगर इस मुक़ाम पर आए ये एक पहाड़ी है मोरिया, इब्रानी ज़बान में इसे आ, इसे हरम कहते हैं हरम के मानी इब्रानी में है पहाड़ अरबी में इसके मानी अलग होते हैं हरम के मानी मगर इब्रानी में इसके मानी यही है ये वही मुक़ाम है जहां पर अब एक मस्जिद की तामीर की गई है दरहकीकत ये वो मुक़ाम है जहाँ पर खुदा सुलेमान को बताया कि मेरे लिए एक इबादत गाह बना मगर मुसलमानों ने आ, उस इबादत गाह को मसमार करके उसकी जगह ये आ, मस्जिद आ, बनाया है और आ, दास्तान बहुत पुरानी है चार हज़ार साल आज से चार हज़ार साल पहले जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मेरे लिए सोखतनी की कुर्बानी चढ़ा और वो भी अपने बेटे की कुर्बानी और आ, मैं देख सकता हूँ कि उसके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा वो मगर ये एक अक्स भी है उस आने वाले कुर्बानी के बारे में जब इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी यहाँ पर चढ़ाने के लिए आया तो खुदावन ने हमें एक अक्स दिया आइंदा के लिए कि एक दिन खुदावन यीशु मसीह यहीं पर आएंगे। खुदावन यीशु मसीह जो है वो भी इस शहर के बिल्कुल नज़दीक जो जुलझता या गोलगाथा है जिस पर खुदावन यसु मसीह क़ुरबान हुए हमारे हमारे लिए वो भी बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पर तो ये एक अक्स है उस उसीम कुर्बानी के बारे में जो कि खुदावन ने हमारे लिए मुहैया किया खुदावन येसु मसीह ने जो कुर्बानी दी और आ, हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने इब्राहिम को उस वक्त कहा हम किताब मुक़दस में पढ़ते हैं तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठ कर अपने गधे पर चार जामा कसा और अपने साथ दो जवानों और अपने बेटे इसहाक़ को लिया और सोखतनी क़ुरबानी के लिए लकड़ियाँ चीरी और उठ कर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह डाली और उस जगह को दूर से देखा तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरो मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे और इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों अखट्टे रवाना हुए तब इसहा ने अपने बाप इब्राहिम से कहा ए बाप। उसने जवाब दिया कि, मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ कहा देख आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोख्तनी के कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है इब्राहिम ने कहा ए मेरे बेटे खुदा आप ही अपने वास्ते की कुर्बानी के लिए बर्रा महैया करेगा सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुँचे जो खुदा ने बताई थी वहाँ इब्राहिम ने कुर्बान कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इस हाँ को बांधा और उसे कुर्बान गह पर लकड़ियों के ऊपर रखा हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कितना ही मुश्किल हुआ होगा जब हम किताब मुक़दस को पढ़ते हैं तो ये वही मकाम है जहाँ पर इब्राहिम ने अपने बेटे को ले आया और बांधा और तब जैसा कि खुदावन ने कहा था और इब्राहिम ने हाथ उठाकर छुरी ली और अपने बेटे को जबा करे तब खुदावन के फरिश्तों ने उसे आसमान से पुकारा इब्राहिम एब्राहम इब्राहिम उसने कहा मैं हाजिर हूँ फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और न उससे कुछ क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है इसलिए कि तू ने अपने बेटे को भी जो तेरा एक लौता है मुझसे दरेख न किया और हम पढ़ते हैं कि और ये एक अक्स है हमारे लिए वो अक्स जिसकी की बाबत हम पैदाइश की किताब उसके बाईस बाब में पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्राहिम से ये हुक्म किया कि अपने बेटे को यहाँ पर सोखनी की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए और इब्राहिम ने ईमान ईमान से ये काम किया क्योंकि वो जानता था क्योंकि उसने अपने नौकरों को बताया कि हम जाएंगे इबादत करेंगे और वापस लौटेंगे और जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो उसी अक्स के मुताबिक खुदा यीशु मसीह यहाँ पर ज़मीन पर उतर आए उसने आ, हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपने आप को कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया वो एक निशानी था जब इब्राहिम ने अपने बेटे को यहाँ पर ले आया इस मुकाम पर ख़ुदा के हुक्म को माना क्योंकि वो इतना अजीम ईमानदार शख्स शख्स था कि वो जानता था कि जब खुदा ने मुझे ये हुक्म किया कि अपने बच्चे के ब, बेटे की कुर्बानी चढ़ा तो वो ये भी जानता था कि अगर मेरा बेटा मरे भी तो भी खुदा उनसे दोबारा ज़िंदा कर सकता है क्योंकि इब्राहिम के लिए ये लाजमी था कि वो खुदा के हुक्म को माने हमारे लिए मुश्किल है इब्राहिम के लिए भी मुश्किल हुआ होगा मगर हकीकत यह है कि क्या हम इब्राहिम की तरह ईमान रखते हैं क्या हमारा ईमान इब्राहिम की तरह है अगर खुदा आज हमसे ये कहे क्या हम वो कर सकेंगे हाँ खुदावन ने इम्तहान दिया खुदावन ने इम्तहान लिया इब्राहिम से खुदावन कभी नहीं चाहता था कि वो इस की बलि चढ़ाए या कुर्बान करे उसे या मार डाले खुदावन कभी ये नहीं चाहता ये एक इम्तहान था इसी वजह से इब्राहिम ने कहा अपने नौकरों से कि मैं जाऊंगा बेटे के साथ हम जाएंगे ऊपर इबादत करेंगे और वापस लौटेंगे और खुदावन ने तारीख यहाँ पर हमारे लिए रकम की है कि हम खुदावन के कल्ब को जाने, खुदावन के इरादे को जाने कि खुदावन हमसे चाहता क्या है दर हकीकत हकीक की कुर्बानी वो है कि हम अपने दिलों को खुदावन को दें हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल करें क्योंकि वो खुदा का बर्रा है खुदा का अज़ीम बर्रा है जो इंसानों के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ वो अजीम कुर्बानी जिसके बाद किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है भेड़ बकरियों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है किसी भी और हैवान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुकम्मल कुर्बानी हमारे लिए ताहिया है और वो खुदावंद यीशु मसीह है मुसलमान ईद कुर्बान को मनाते हैं या फिर ईद अज़हा को या बकर को मनाते हैं वो इसी की बाबत है मगर ये बात है कि वो कहते हैं कि इस्माइल की कुर्बानी हुई मगर किताब मुकद्दस जो हकीक़त है उसमें लिखा है कि ये इस्माइल नहीं बल्कि इसहाक था जिसकी बाबत खुदा ने बताया था और मैं अब यहाँ से नीचे जाता हूँ मस्जिद अक्सा की तरफ और मस्जिद अक्सा और ये जो मस्जिद है आ, ये दोनों साथ साथ हैं और यहाँ पर दर हकीकत बहुत मुश्किल है रिकॉर्डिंग करना सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है आ, मगर मैं चाहता था कि इस प्रोग्राम को इस पैगाम को यहाँ पर आपके लिए सब्त करूँ आपके लिए रिकॉर्ड करूँ ताकि आप जाने तारीखी नुक़ः नगार से कि हकीक़त में इस्माइल नहीं बल्कि इस हाक को खुदा बनने आ, कहा इब्राहिम से कि यहाँ पर उसकी सोख्तनी की कुर्बानी चढ़ाए और ये एक अक्स था और उस कुर्बानी के बारे में जो आने वाला था खुदाबंद यीशु मसीह जो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ उसने वो अजीम कुर्बानी दी जिसकी वजह से हम निजात पा सकें और निजात पाते हैं अगर हम उस पर ईमान लाते हैं खुदावन आप सबको बरकत दे आमीन 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 और आमीन और खुदावन। बाकी आप सबको बरकत दे और आ, मैं आ, पहले ही से जानता था कि शायद कोई अजीज़ नाजरीन में से ये सवाल ज़रूर करे कि कुर्बानी जो है वो इसहाक़ की नहीं बल्कि इस्माइल की हुई है ये मुझे मालूम था इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हबीबुल्ला खान आ, साहब जिन्होंने ये कमेंट दिया है उसी पर मैं किताब मुक़दस में से लाऊं हबीबुल्ला खान खान साहब आ, आप आ, दो मरतबा ख़ान हैं खुदा का शुक्र है हबीबुल्लाह साहब और मैं आ, चाहता हूं कि आ, आपके सवालों का जवाब दूं और जो आपने यहाँ पर एतराज़ किया है उसको खुदा के कलाम की रोशनी में से कहीं और से नहीं इस किताब हयात के पन्नों में से आपके लिए इसका जवाब दूं आप कहते हैं सब सही मगर आखिर में शर्क तक तू पहुंचे मसीही मसीही हो ही नहीं सकता अगर हम खुदा की जात में शर्क लाएं खुदा की जात में शर्क से मुराद यह है कि हम एक खुदाए वाहिद की जगह हम दो खुदाओं या दो से बढ़कर तीन चार पांच खुदाओं को माने के पांच छह खुदा हैं जैसे कि हनूद में है अब हनूद भी दर हकीकत में वो ब्रह्मा एक ही खुदा को मानते हैं मगर वो कहते हैं कि उसमें से उसमें क्योंकि हनूद हनूद के थियोलॉजी में जो इलाहियात है उसमें यह है कि कण कन कण मो भगवानम हर कण में हर चीज में खुदा है यानि उसके मुताबिक गाय बैल बकरी मैं आप वो सब कुछ खुदा ही है क्योंकि उन उनके नुक़ नगाह से अगर देखें तो ब्रह्मा में से जो अलग हुआ वो एक चक्रा के तौर पर वापस वापस खुदा की जानब जानब लौटते हैं मगर इस वक्त क्योंकि सारे संसार में उसी के मध सब कुछ है तो कण कण में भगवान मगर खुदा खुदा मुतलक खुदाए मुकद्दस जो कहता है मैं कुद्दूस हूं मैं कुद्दूस हूं मैं कुद्दूस हूं मैं वाहिद खुदा हूं खुदावंद यीशु मसीह ने वाजे कहा सुनो इसराइल खुदावंद हमारा खुदा एक एक दो नहीं तीन नहीं एक खुदा है और वो तसली से अकदस में वो तसली से मुकदस में हबीबुल्ला खान साहब क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे मदार शमसी में जो शम्स है या जो सूरज है वो एक सूरज है तीन नहीं मगर अगर आप सूरज की रोशनी को हरारत से जुदा करें तो वो मुमकिन नहीं या फिर जसामत से रोशनी और हरारत को या हरारत को रोशनी और जसामत से जुदा करें तो ये मुमकिन है ही नहीं एक ही सूरज है मगर उसे जसामत की तौर पर हम देख सकते हैं उसके पास नहीं जा सकते ये नामुमकिन है खुदा के पास जाना हमारे लिए नामुमकिन है क्योंकि हम भस्म होकर रह जाएंगे वो जलाली खुदावंद है उसका शिको हमें नाबूद कर देता है जैसा कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारे शम्स में या हमारे सूरज के पास जा सके क्योंकि वो भसम जौब होकर रह जाएगा और खुदा बाप इसी वजह से उसने खुदा बेटे को भेजा खुदा और रूह की वसात से जो उसकी कुदरत है हम एक खुदा की बात करते हैं इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने अट्ठाईस बाबमती की इन झील में जब अपने शागिर्दों को उसने कहा कि जाओ दुनिया भर में जाओ और हर कौम से हर ताइफे से मेरे लिए शागिर्द बनाओ और उनको उनको बाप बेटे और रूहुल कुलुदस के नाम में बपतिसमान नाम में उसने नहीं कहा कि बाप के नाम फिर बेटे के नाम फिर रोहल कुदुस के नाम या नामों नामों का नाम नहीं लिया बल्कि नाम का नाम लिया क्योंकि खुदा बाप बेटा और रुहल कुदुस एक ही खुदा है जैसा कि हबीबुल्लाह खान खान साहब आप एक ही हबीबुल्लाह खान ख़ान हैं दो नहीं हैं मगर क्या आपको यह मालूम है कि आप जिसमानी तौर पर जाहिर है लोग आपको देख सकते हैं मगर आपका रूह भी है जो आपके जिस्म से अलग हो ही नहीं सकता अगर हो जाए तो आप जिंदा जान नहीं रह सकते आप रूह भी हैं और आप कलाम भी हैं बातनी तौर पर आप कलाम भी हैं जिसे हम सुन सकते हैं आपका कलाम जो है जान रूह और जिस्म ये एक, ये एक, एक होकर आपको हबीबुल्ला खान बना देता है आप यह नहीं कहते कि आप तीन हैं आपके मां बाप आपको तीन नहीं मानते आपके बच्चे आपको तीन नहीं मानते आपके दोस्त आपको आपके दुश्मन भी आपको एक ही मानते हैं मगर आप तीन से मरकब हैं रूह हैं आप जिस्म है आप और जान हैं आप मगर आप एक हैं पानी की मिसाल ले लें पानी माया है पानी कर्स है जिसे हम बर्फ कहते हैं और ये पानी भाप भी है जिसे हम तफ्त भी कहते हैं मगर एसेंस में हकीकत में एक ही H2O का नाम इसे दिया जाता है ये सब पानी ही है मगर अगर आप ये सोचें कि कर्स माया नहीं है तो ये ठीक है माया जो है वो कर्स नहीं है और कुर्स जो है वो भाप नहीं और भाप जो है वो कर्स नहीं मगर फिर भी पानी है खुदावन ने खुदावन ने इस तबीयत में हमारे लिए अपने शख्सियत के बारे में कि खुदा तसलीस में क्यों कर तसलीस है कैसे तसलीस है ये हमारे लिए दिया हुआ है मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं हबीबुल्ला खान साहब जब हम जन्नत जाएंगे जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो वहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि ये राज है क्या ये राज है क्या तो हम मुशरक नहीं है हम मुशरक नहीं है और आपने यहाँ यहाँ कहा है कि आपने शिरक किया है हमने कभी शिरक नहीं किया है ये बिल्कुल आ, हकीकत नहीं, यीशु मसीह कुछ भी नहीं कर सकता वो उसने मुर्दों को जिंदा किया उसने कोड़ियों को चंगाई बख्शी वो पानी पर चला वो मुर्दों में से खुद जी उठा उसने कहा किसी में ये जुर्रत, ये कुदरत ये इख्तियार नहीं कि मुझे मार सके युहना की इंजील उसके दस बाब उसके सत्रह और अठारह आयत में मैं खुद दाऊ तलब अपनी जान की कुर्बानी देता हूँ और मुझ में ये एग्जोसिया यूनानी जबान से लिया गया मुझ में यह इख्तियार है कि मैं ये करूं और इख्तियार है कि मैं अपने आप को दोबारा खुद जिंदा करूँ क्या आपने किसी नबी को किसी पैगंबर को किसी इंसान को किसी पीर को किसी मुरशद को कभी देखा है कि उसने अपने आप को दोबारा जिंदा किया है सिर्फ एक है और वो है खुदा यीशु मसीह इसी वजह से हम कहते हैं कि वो खुदावन कादर मुतलक है जो कि इंसान की सूरत में हमारे बीच में आता के वो हमें अपने आगोश में लेकर ये कहे कि मैंने ये काम इसलिए किया कि मैं खुदाए बे न्याज आपके न्याज के लिए आया क्योंकि तुझे न्याज है मेरी क्योंकि तुझे न्याज है मेरी नजात की मेरे हयात जावदाँ की कुछ नहीं कर सका उसने बहुत कुछ किया क्या आपने नहीं पढ़ा ना ही मुआफ़ कर सकता है वो बिल्कुल माफ कर सकता क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में मुआफी की कुदरत है मैं जिसे बेटे ने मुआफ किया वो माफ हुआ जिसे बेटे ने आज़ाद किया वो आज़ाद हुआ जिसे बेटे ने हयात बख्शा उसको हयात मिली ना ही मुआफ़ी की आ, सिफारिश कर सकता आ, बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकता है बिल्कुल वो वह खुदाबंद कदर मतलाक मतलब मासीवाए बेज़न नहीं कोई और नहीं सिर्फ खुदाबंद यह होवा ये काम कर सकता है और फिर आप फिर कहते हैं और कुर्बान तो हज़रत इस्माइल की दी कुर्बान आपने आपने कुर्बान की कुर्बानी, कुर्बानी तो हज़रत इसमाइल की दी वो तो आ, सोखतनी वाली नहीं <laughs> ज़बीहा, ज़बीहा भाई जान जबीहा हालांकि वो ज़बीहा भी नहीं हुआ क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को मना किया ज़बीहा होने से पहले ज़बीहा होने से पहले आप किताब मुकदस को एक बार ज़रूर पढ़ें मेरे भाई किताब मुकदस असल को पढ़ें नकली को नहीं असल को पढ़ें और इसी वजह से मैं आपसे अल्तमाश करता हूँ मेरी आपसे ये ख्वाहिश है कि आप हकीक़त को पढ़ें आप हकीक़त को जानें ताकि हकीकत आपको आज़ादी बख्शे और अब मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ ये कहानी हमारे लिए है जहाँ ये कहानी हमारे लिए है सबसे पहले आपने कहा कि ये तो इस्माइल की हुई हाँ आप, आपने जो मुसलमान हैं उनके नज़रिए को यहाँ पर दिया हुआ है हालांकि अगर आप कुरान को पढ़ें तो कुरान में भी ये नहीं लिखा है ये आपके सामने मैंने कुरान खोल दिया है आप खुद पढ़ें पर्दे पर है कुरान आप खुद पढ़ें यहाँ पर आप इस्माइल का नाम देख सकते हैं यही वो दो तीन आयत हैं जिसमें कुर्बानी के बारे में इब्राहिम को खुदा ने कहा कि अपने बेटे की कुर्बानी दे यहाँ पर क्या आप इसमाइल के नाम को ढूंढ सकते हैं अगर आप इस्लामी तारीख के पहले पन्नों को देखें तो वहाँ परमा में ये बहुत सख्त मुजादला थी कि कौन था ये बेटा मगर हकीक़त को अगर आप जानना चाहें तो हकीकत जो है वो किताब मुकद्दस में है और ये शुरू होती है पैदाइश की किताब उसके सोलह बाप में से हाजरा और इस्माइल की कहानी हाजरा और इस्माइल की कहानी और मैं चाहता हूं कि इसको आ, पर्दे पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा लाऊं ताकि मेरा चेहरा आपको दिखाई ना दे बल्कि खुदा के कलाम का चेहरा आपको दिखाई दे और इब्राहिम की बीवी सारी की कोई औलाद ना हुई उसकी एक मिस्री लॉन्डी थी उसकी क्या थी उसकी एक मिस्री लॉन्डी थी यानी हाजरा इब्राहिम की बीवी भी न थी बल्कि हाजरा जो है वो सारा की लॉन्डी थी और क्योंकि ये ईमान का मसला है अब यहाँ पर थोड़ी बहुत क्योंकि इंसान है सारा ईमा इंसान और इब्राहिम इंसान वो सब गुनहगार थे हाँ वो खुदा के बहुत बड़े अजीम अजीम मोमिन थे मगर उनमें भी गुनाह था इसी वजह से बजाय इसके कि वो खुदा की बात को मानता यहाँ पर लिखा है उसकी एक मिस्री लॉन्डी थी जिसका नाम हाजरा था और साराई ने इब्राहिम से कहा देख खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है हालांकि खुदावन ने वादा दिया था कि साराई ही की वसात से साराई ही से मैं तुझे औलाद दूंगा मगर इनकी बेईमानी देखो यहाँ पर महरूम रखा सो तू मेरी लोंडी के पास जा शायद उससे मेरा घर आबाद हो शायद इससे यह खुदा की रजा की बुनियाद पर नहीं इंसानी रजा की बुनियाद पर हुआ है ये देखे मेरा घर आबाद हो और इब्राहिम ने साराई की बात मानी वैसे ही जैसे कि आदम ने हवा की बात मानी बाग अदन में जैसे कि आदम ने हवा की बात मानी बाग अदन में वैसे ही अब यहाँ इब्राहिम वो उसी का तकरार करता है उसी का तकरार करता है खुदावन ने उसको सरपरस्त खान वादा करार दिया था साराय को नहीं ताकि मेरा घर आबाद हो और इब्राहम ने साराय की बात मानी और इब्राहिम को मुल्क कडान में रहते दस बरस हो गए थे जब उसकी बीवी साराय ने अपनी मिस्री लौंडी आ, लौंडी उसे दी के उसकी बीवी बने और वो हाजरा के पास गया और हामिला हुई और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी यहाँ पर वो वो कहावत है कि अपने पैर पैर पर खुद कुलाड़ी मारना सौतन लाना अपने ऊपर सारा ने यही तब सारा ने इब्राहिम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है जबकि ये उसने खुद ये काम किया उसने खुद अपने शौहर को बहलाया और कहता है तेरी गर्दन मैंने अपनी लॉन्डी तेरे आगोश में दी और अब जो उसने आपको हामिला देखा तो जब और अब जो उसने आपको हामिला देखा अपने आपको हामिला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई सो खुदाबंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे और उसकी बात की कहानी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कितनी नाइंसाफी हुई साराई के साथ और इस्माइल के साथ कि उनको जाना पड़ा वहाँ से मगर बात यही ख़त्म नहीं होती जब ख़तरे का अहद आता है तो हम देखते हैं कि इब्राहिम इब्राहिम को खुदावन उस वक्त एक वादा देता है और उस वादे के मुताबिक वो कहता है फिर खुदा ने इब्राहिम से कहा तू मेरे अहद को मानना और तेरे बात तेरी नस्ल पुष्ट दर पुष्ट उसे माने और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे और तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे सो ये यह है कि तुम में से हर एक फर्जंद नरीना का ख़तला किया जाए तो यहाँ पर ख़तने का जो सवाल है और उसके बाद फिर दोहराता है खुदावंद पंद्रह आयत में और ख़ुदा ने इब्राहिम से कहा साराई जो तेरी बीवी है सो उसको साराई न पुकारना उसका नाम सारा होगा और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे और वो बादशाह खुदाबंद यीशु मसीह है ऐसा वादा इस्माइल के लिए कभी नहीं दिया गया इस्माइल के लिए कभी नहीं दिया गया तब इब्राहिम सरनिगु हुआ और हंस कर दिल में कहने लगा कि क्या सौ बरस के बूढ़े से कोई बच्चा होगा क्या सारा के जो नबे बरस की है औलाद होगी और अब्राहम ने खुदा से कह के काश इस्माइल, काश इस्माइल यहां पर वाज़े है काश इस्माइल ये मैं बड़ा करके ला लाता हूं आपके लिए आपके लिए कि वो कहता है कि काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा तू उसका नाम इजहाक रखना और मैं उससे उससे और फिर उसकी औलाद से अपना द जो अबदी अहद है बांधूंगा और इस्माइल के हक़ में भी मैंने तेरी दुआ सुनी है देख मैं उसे बरकत दूंगा उसे गुरुमंद करूँगा और उसे बहुत बढ़ाऊँगा और उससे बारह सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा लेकिन मैं अपना आहद लेकिन मैं अपना आहद फिर मैं तकरार करता हूं लेकिन मैं अपना अहद और यह है पैदाइश की किताब सत्र बाब इक्कीस आयत लेकिन मैं अपना इस हाक से बांधूँगा जो अगले साल इसी वक्त मुन इसी वक्त मुन पर सारा से पैदा होगा और जब खुदा इब्राहिम से बातें कर चुका तो उसके पास से ऊपर चला गया उसके पास से ऊपर चला गया तो मेरे अजीज़ दोस्त मेहरबान दोस्त आ, मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं आपके लिए कि आपने ये सवाल किया और यहाँ पर आ, अपना शक और तरद और नारजामंदी यहाँ पर जाहिर की मगर जैसा कि आपने कहा और कुर्बानी तो हज़रत इस्माइल की हुई और मैं आपको कुरान में भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुरान में भी इस्माइल का नाम नहीं है मगर किताब मुक़दस में वाज तौर पर इस का नाम है और जब जब आप इसी किताब इसी किताब यानि पैदाइश की किताब और उसके उसके बाईस बाब में जाएंगे उसके बाईस बाब में जाएंगे तो यहाँ पर यह बिल्कुल अल्फाज में दिया गया है ये ऐसा नहीं दिया गया कि आप इसमें सोचें और ये कौन सा बेटा था भाई के खुदा ने इब्राहिम को कहा ऐसी कोई बात यह है ही नहीं यहाँ पर वाज तौर पर दिया गया है खुदा इब्राहिम को हुक्म देता है कि इस हाक को कुर्बान करे उन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा ए इब्राहिम उसने कहा मैं हाजिर हूं तब उसने कहा तू अपने बेटे इस हाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ ले और मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा फिर जाएंगे वापस कुरान आप यहां पर मुझे इस्माइल का नाम बताएं इसका सबूत दें किताब मुक़दस में तो वाज तौर पर दिया गया है कि इसहाक है मगर क़ुरान में इस्माइल का नाम ही नहीं है फिर भी आप इस्माइल कहते हैं ज़रा तारीख़ को पढ़ें ज़रा सोचें इन बातों पर और फिर लिखा हुआ है तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर चार जामा कसा और अपने साथ दो जवानों को और अपने बेटे इसहाक को लिया और सख्तनी की कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीरी और उठ कर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताया बताई थी रवाना हुआ तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा तुम यहीं गधे के पास ठहरो मैं और ये लड़का दोनों वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि इब्राहिम को इब्राहिम को यकीन था कि जिस खुदा ने कहा कि अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ा वो मेरे बेटे को वापस मेरे साथ भे, भेज भी सकता है और फिर यहां पर लिखा है और इब्राहिम ने सोचते तकनी की कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इस हाक को फिर नाम इस हाक कई बार इस फसल में इस हाक का नाम लिया गया है कई बार इस हाक पर रखे और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए तब इस हाक ने फिर इस हाक का नाम अपने बाप इब्राहिम से कहा ए बाप उसने जवाब दे के ए मेरे बेटे मैं हाजिर हूं उसने कहा देख आग और लकड़ियां तो हैं पर सोखनी की कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है इब्राहिम ने कहा ए मेरे बेटे खुदा आप ही अपने वास्ते सोखतनी की कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी और जिस वीडियो क्लिप में आपने देखा वी, वो वही जगह और उस जगह पर पहुंचे जो खुदा ने बताई थी वहां इब्राहिम ने कुरबान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे क्या इस हाक को बांधा और उसे कुर्बान कुर्बानगार पर पर लकड़ियों के ऊपर रखा और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली अपने बेटे को ज़बह करे तब खुदा बन के फ़रिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा कि ए ए इब्राहिम उसने कहा मैं हाज़िर हूँ फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसे कुछ कर क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया और यहाँ पर आगे जाकर बार बार बारहा बार हम इस हाक का नाम पढ़ते हैं हकीकी कहानी मगर हकीकी कुर्बानी है क्या यह एक अक्स है जो खुदा ने हकीकी कुर्बानी के बारे में दिया था खुदा बन को भेड़ बकरियों की कुर्बानी से कोई कोई फायदा न था यहाँ तक कि खुदावंतो तो की किताब में कहते हैं मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता हूँ और उनसे नफ़रत रखता हूँ और मैं तुम्हारी मुक़दस महफिलों से भी खुश ना हूँ और अगर चे तुम मेरे हुजूर सोख्तनी और नजर की कुरबानियाँ गुजर, गुजरानोगे तो भी मैं उनको कबूल ना करूँगा और तुम्हारे फरबा फरबा जानवरों की शुक्राना की कुरबानी को ख़ातिर में ना लाऊँगा क्यों क्योंकि उनके दिल में जो है वो मैल था हमारे दिल में जो है वो गुनाह है खुदाबंद हमारे दिल को चाहता है कि दुरुस्त करे अपनी मुकदस का बनाए और यरमिया की किताब में भी यही लिखा है और अगर आप किताब मुकदस में पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें और वापस आप इसी में आएंगे जब हम इब्रानियों की किताब में लाते हैं कि शरीयत वो जो है शरीयत के तवसुत से हम निजात नहीं पा सकते क्योंकि वो हमारी सूरत को दिखाता कि हम कितने गुनहगार हैं मगर जो हकीकी कुर्बानी है वो खुदावंद यीशु मसीह की है क्योंकि यहाँ पर वाज़े तौर पर ये दिया गया है लिखा है क्योंकि मुमकिन नहीं चार आयत दस बाब इब्रानियो क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कैसे एक नन्ना जान ये कहे अगर वो खुदा ना हो क्योंकि इससे पहले कि वो जिसमें इंसानी पह, पहन कर आए उसने वो वादे दिए कि मैं निजात के लिए इंसान के निजात के लिए ख़ुद इंसानी जिसम पहन कर यहाँ पर आऊँगा इसी लि, इसीलिए लिखा हुआ है बल्कि वो कुर्बानी कुरबानियाँ साल बसाल गुनाहों को याद दर क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया मेरे लिए एक से पूरी सोखनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूं देख मैं आया हूं किताब के वर्कों में मेरी नस्बत लिखा हुआ यानी यह नबोतें मेरी खातिर हुई इस हाक की कुर्बानी जो है वो मेरे ही अक्स का है ताकि ए खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं ताकि ए खुदा मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। तो अजीज दोस्तों ज़रा सोचने की बात है मेहरबानी करके आप हकीकी तारीख़ को पढ़ें कमेंट्स बहुत हैं और मैं चाहता हूं कि आप अजीज़ मेहरबानी करके इन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ें आ, लोग कमेंट्स दे रहे हैं और भाई हारून पीटर कहते हैं ब्रदर जी आई एम हारून पीटर फ्रेंग फ्रेंग फॉर फॉर मी अपना घर आ, बना है या आप अपना घर बनाना चाहते हैं दुआ करते हैं खुदावन आप खुदावन आपकी मदद करे खुदावन आपका दस्तगीर बने खुदावन यीशु मसीह के नाम से भाई हारून खुदावन आपको बरकत दे और फिर हारून भाई प्रेज द लॉर्ड कहते हैं मकसूद मुग़ल गाड यू पास्टर गाड यू टू और शीला जुबैर खुदा आपके साथ हो आप बोलते हैं तो बहुत बरकत मिलती है खुदा का शुक्र है कि आपको खुदा के कलाम से बरकत मिलती है मैं तो सिर्फ उसका ख़ादिम हो मैं खाकसार हूँ अगर उसका फजल ना होता मैं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदा आपको बरकत दे और मैं दुआ करता हूँ शहला जुबैर आ, और आ, ये कमेंट्स हमने हबीबुल्ला के पहले ही पढ़ा तारिक भट्टी भी हामीन कहते हैं सदा आ, वो हंसते हैं अलग सदा अलग झगवाड़म च तासो तबसम के खुदा खुदा तासो सरा वी ची खुदा झगवाड़म जुड़ा झुड़ा साताजुड़ा पाक ओ यो तगे पेरावड़े इसतासो पजवंत के आ, सदा अलग साहब आफ़्रा हयात कहते हैं गाड ब्लस यू सर खुदावंद आपको आ, कसरत से आ, इस्तेमाल करें आफ्रा हयात साहब बहुत शुक्रिया खुदावंद आपको भी बरकत दे आपकी आ, आपको भी बरकत से माला करें नहीं एक आ, लिंक यहाँ पर भेजते हैं अल्लाह ने हज़रत ईसा को जिंदा आसमान पे क्यों उठाया आप खुद इस पर फिक्र करें वो खुद आसमान पर चले गए मगर आप उसके मसलूब होने से इनकार करते हैं बग़ैर हकीकी तहक़ीक के नईम खोकर साहब खुदावंद आपको भी बरकत दे और मैं इल्तज़ा करता हूँ इल्तमास करता हूँ कि आप किताब मुकद्दस को पढ़ें शुक्रिया अब्दुल करीम तन्हा लिखते हैं और खुदावंद आपको भी बरकत दे आम और भी कामेंट से आफला जी को हबीबुल्लाह खान आ, कुछ कहते हैं मेरे ख्याल या फिर आ, दूसरी तरफ गौरी जी भी हाल लुए कहते हैं और खुदावन आप सबको बरकत दे सर प्लीज़ प्रे फॉर मी बिकॉज आई हैव नो चिल्ड्रन दुआ करता हूँ मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि न सिर्फ खुदावंद आपकी दुआ को सुने और आपको औलाद की नामत से मालामाल करे बल्कि आपको रूहानी औलादों के न्यामत से भी मालामाल करें मेरे बहुत से औलाद हैं जो खुदावन ने मुझे दिया है रूहानी तौर पर वो भी मेरे औलाद हैं और मैं दुआ करता हूँ कि दोनों तरफ से खुदावंद आपको मालामाल खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम से आमीन शाकिर वल्सन गॉड ब्लस यू सर जी गाड ब्लस यू टू खुदावंद आपको भी बरकत दे खुदावंद आपको भी बरकत दे और भी कमेंट से यहाँ पर आ, आ, आर्या फिर भी अपने आ, माथे पर आ, हाथ रख कर वो भी आ, अभी नाखुश हैं और मैं दुआ करता हूँ आर्या के लिए और आ, शाला जुबैर फिर लिखती हैं खुदा हर एक को सुनने की आ, कान और कबूल करने वाला दिल और जहन दे आमीन हाल लू या आपके दुआ को कबूल करे कासिम भी आहा आमीन कहते हैं हा भट्टी गाड ब्लस यू एंड स्टे लॉन्ग लिव खुदा आपको भी बरकत दे और दराज उम्र दे आ, आ, अली हसनी आ, वो भी आ, फारसी में لکته هم بله من فارسی بفهمم برنامه های فارسی من روزای سه و پنج شما دیده میتونین خداوند آب سب کو برکت ده خداوند یسوع مسیح مقدس اور مبارک نام سے آمین